मित्रों, कश्मीर की वादियों में समुद्र तल से करीब 3,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये वो पवित्र गुफा है जहां स्वयं भोलेनाथ हिमलिंग के रूप में सदियों से विराजमान है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने आदिशक्ति माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाई थी और तभी से दुर्गम स्थानों को पार कर हजारों कठिनाइयों को झेल कर लाखों श्रद्धालु भगवान शिव और आदिशक्ति के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ धाम हिंदू धर्म में इतना महत्व क्यों रखता है और इस धाम की यात्रा करने से क्या फल मिलता है? तो अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनटों के लिए बने रहें मेरे साथ, क्योंकि आज मैं आपको अमरनाथ धाम के उस प्राचीन इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ जिससे अधिकतर जनमानस अनजान है। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, ऐसा कोई कालखंड नहीं जिसमें भगवान अमरनाथ का वर्णन न मिलता हो। न सिर्फ पुराणों में बाबा बर्फानी का उल्लेख मिलता है बल्कि स्कंद पुराण के भैरव भैरवी संवाद में भी अमरनाथ यात्रा करने से मिलने वाले फल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अमरनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक कथा। तो मित्रों, शिव पुराण में अमरनाथ गुफा और उससे जुड़े कई रहस्यों के बारे में बताया गया है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आपके अमर होने का रहस्य क्या है और मुझे क्यों हर बार आपको प्राप्त करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि इसका रहस्य अमरत्व से जुड़ा है, जिसके बाद माता पार्वती अमृतत्व के बारे में जानने का हठ करने लगी। भगवान शिव अमृतत्व के रहस्य को बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब माता पार्वती बहुत हठ करने लगी तो भोलेनाथ भी ये रहस्य बताने के लिए तैयार हो गए। अब चूंकि भगवान शिव अमृतत्व रहस्य सिर्फ माता पार्वती को ही बताना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एकांत और शांतिपूर्ण जगह की तलाश शुरू की और अंत में उन्होंने अमृतत्व की ये कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की इस पवित्र गुफा को चुना। अमरनाथ गुफा में पहुंचने के लिए भगवान शिव ने पंच तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का भी परित्याग कर दिया था और इस गुफा में नंदी, कार्तिकेय, गणेश या फिर कोई अन्य पशु पक्षी न आ पाए, इसके लिए गुफा के चारों ओर आग भी जला दी थी। और ये सब करने के बाद ही उन्होंने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। मित्रों, जब महादेव कथा सुना रहे थे तो उस दौरान माता पार्वती की आंख लग गई। ये बात भगवान शिव को पता नहीं चली क्योंकि कथा को दो कबूतर भी सुन रहे थे जो बार बार हुंकार भर रहे थे। ऐसे में भोलेनाथ को लगा कि माता पार्वती ही कथा सुनकर हुंकार भर रही है। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही है। फिर उनके मन में ये प्रश्न उठा कि फिर कथा कौन सुन रहा था। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उन्हें वहां कबूतरों का एक जोड़ा दिखा, जिन पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। इस पर वो दोनों कबूतर उनके सामने आकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। उन दोनों ने कहा, हे महादेव, हमने ये अमर कथा पूरी सुनी है और अगर आपने हमें मार दिया तो आपकी ये कथा असत्य कहलाएगी, इसीलिए आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम आज से यहाँ शिव और शक्ति के प्रतीक चिन्ह के रूप में हमेशा के लिए वास करोगे। तो मित्रों, इस तरह कबूतर के इस जोड़े ने अमृतत्व को प्राप्त किया। इस पूरी कथा के कारण ही इस गुफा को अमरनाथ गुफा भी कहा जाने लगा और ये कथा अमर कथा कहलाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी कबूतर का वो जोड़ा वहाँ दिखाई देता है और जिन्हें भी वो दिखता है उन्हें बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। तो चलिए मित्रों, अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर अमरनाथ गुफा की खोज किसने और कब की थी। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले ऋषि भृगु ने की थी, लेकिन कालांतर में लोग इस गुफा को भूल गए, जिसके बाद 1850 के आसपास बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे ने दोबारा गुफा को खोजा। अमरनाथ गुफा की खोज से जुड़ी ही एक कथा के अनुसार बूटा मलिक नाम का ये चरवाहा एक दिन भेड़े चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से मुलाकात हुई। उस साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब बूटा मलिक घर पहुंचा तो उसने कोयले की जगह उस थैले में सोना पाया, जिस पर वो बहुत हैरान हो गया।
चरवाहा साधु को खोजने के लिए दोबारा उसी जगह पर गया, लेकिन वो साधु उसे नहीं मिला और वो उसे खोजते खोजते ही इस अमरनाथ की गुफा के पास जा पहुंचा, जहां उसे ये दिव्य शिवलिंग दिखाई दिया। और मित्रों, तभी से ये गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। मित्रों, अमरनाथ गुफा से जुड़े वैसे तो कई रहस्य हैं, लेकिन यह पानी से बनने वाले शिवलिंग के रहस्य को आज तक वैज्ञानिक तक नहीं समझ पाए। दरअसल ये शिवलिंग गुफा की छत से टपकने वाले पानी से प्राकृतिक रूप से बनता है। पानी के रूप में गिरने वाली बूंदे इतनी ठंडी होती है कि ये नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती है, और जब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसी से 12 से 18 फीट तक ये ऊंचा शिवलिंग बनकर तैयार होता है। इसके अलावा मित्रों, शिवलिंग से जुड़ा एक और रहस्य ये भी है कि ये हिमलिंग चंद्र कलाओं के साथ ही बड़ा और छोटा होता है। दरअसल जैसे चांद का आकार बड़ा होता जाता है, तो ये हिमलिंग भी थोड़ा थोड़ा करके 15 दिनों तक रोजाना बढ़ता है और 2 गज से ज्यादा ऊंचा हो जाता है। और फिर जिस दिन आसमान में चांद नजर नहीं आता, अर्थात अमावस्या के दिन, यह हिमलिंग पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। तो मित्रों, ये था अमरनाथ धाम का पूरा इतिहास और इससे जुड़े रहस्य। जाते जाते आपको ये भी बताते जाते हैं कि आप इस अमरनाथ धाम की यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो मित्रों, बाबा बर्फानी की यात्रा के 2 प्रमुख रास्ते हैं। इसमें से पहला रास्ता पहलगाम से शुरू होता है और दूसरा सोनमर्ग बालताल से। श्रद्धालुओं को ये रास्ता पैदल ही पार करना पड़ता है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। ये रास्ता थोड़ा आसान और सुविधाजनक है, जबकि बालताल की तरफ से अमरनाथ की दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर है, लेकिन ये रास्ता पहले रास्ते की तुलना में ज्यादा कठिन है। तो मित्रों, ये थे वो 2 रास्ते जिनके जरिए आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, यात्रा पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, जिसे आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। तो फिर इस साल कौन कौन आप में से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाला है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें, और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।